अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल सतरंगी गार्डन में। तो आज मैं छोटा सा ओवरव्यू अपने इंडोर प्लांट का दिखा रही हूँ। और ये मेरी एस्पायरागस ग्रास वाइन है, आप लोग इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। और ये घर के अंदर मेरे प्लांट लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये मेरा अरेका पाम है जो घर के अंदर लगा हुआ है और काफ़ी हेल्दी प्लांट मेरा है ये, और कोई भी लीव मेरी इसकी ख़राब नहीं हुई है और न्यू लीव भी इसमें निकल रही हैं। ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं इस प्लांट की। और मैं जो इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ वो मैं जल्दी ही आप लोगों से शेयर करूँगी, एक दो दिन में उसी पर ही वीडियो लेकर आऊँगी। और तो मैंने सोचा आप लोगों से इंडोर प्लांट ने शेयर करती हूँ। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इस पर। और ये वंडरिंग ज्यू मेरी इस टाइम तो वैसे भी डलनेस आ जाती है वंडरिंग ज्यू में। और ये मेरे सारे प्लांटर बने हुए हैं जो मैंने ये प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं उन्हीं को डेकोरेट करके बनाया है। और एक ये ब्लैक कलर में है, काफ़ी प्लांटर मैंने बनाए हैं इसके। और ये छोटे प्लांटर मेरे बने हुए हैं और इनमें भी अब प्लांट मैं लगाऊंगी। और इस तरीके से ये, और इसमें होल करना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें ही बहुत अच्छे प्लांट लगते हैं लगे हुए। और ये देखिए इस तरीके से इनको बॉर्डर को पेंट कर लिया और उस पर ये डेकोरेशन कर दी शीशे वगैरह की। और ये मेरा मनी प्लांट काफ़ी हेल्दी हो रहा है। और इधर भी प्लांट मेरे कुछ लगे हुए हैं जिसकी केयर मैं बहुत कम कर पा रही हूँ। और बस यही मेरे इंडोर प्लांट हैं। और मैं दिखाती हूँ, ये एक अरेका पाम है, ये भी अब ग्रोथ कर रहा है। वो वाला पहले मैंने लगाया था, वो का ओल्ड है, और ये मैंने बाद में लगाया था, ये एक साल पुराना है। जब मैंने ये मंगवाया था बहुत छोटा प्लांट था ये। और ये इधर भी मेरे काफ़ी लगे हैं कंटेनर में मनी प्लांट वगैरह सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों को अगर मेरा ये छोटा सा ओवरव्यू अच्छा लगा हो इंडोर प्लांट का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।